नमस्कार, मैं अश्विनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्वयं से सीखना से संबंधित सिक्किम राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्वशब्दकोश यानी कि सेल्फ डिक्शनरी। एक बहुत ही अच्छा नवाचार है। इसके माध्यम से छात्रों का शब्दकोश बढ़ता है, और जब छात्रों का शब्दकोश बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होता है। कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा शैली होती है उसमें शब्दों का चयन करने के बाद उनकी भाषा शैली में भी मिठास आता है। और अक्सर देखा गया है कि छात्रों के पास शब्दकोश की कमी होने की वजह से उनका शब्दकोश भी कम होता है, शब्दकोश की कमी होने की वजह से उनका कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव नहीं होता है। साथ साथ में शब्दों की जानकारी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने विषय में या फिर अपने पाठ्यक्रम में या फिर चीज जो बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती जिससे वो वंचित रह जाते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे नवाचारी शिक्षकों ने अपने विद्यालय में स्वशब्दकोश नामक नवाचार का क्रियान्वयन किया। इसमें शिक्षक ने हमारे सभी छात्रों को निर्देशित किया, सूचित किया कि आप सबसे पहले कि आपके जो पुरानी नोटबुक हैं उसमें से जो बचे हुए पेज हैं उन सभी पेज को फाड़ करके एक नोटबुक तैयार करेंगे, सेल्फ डिक्शनरी बनाएंगे, और इसमें आप प्रतिदिन 3 से 4 या फिर उससे अधिक भी जो भी आपकी इच्छा अनुसार जो शब्द उसमें लिखे जा सकते हैं तो उसमें आप लिखें। बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि जूनियर क्लास के बच्चे जो होते हैं, माध्यमिक क्लास के बच्चे, उनके लिए बोला कि आप विषयवार भी बना सकते हैं या फिर एक ही शब्दकोश की आप डिक्शनरी बना सकते हैं, जिसमें कि आप जो शब्द के बारे में जानना चाहते हैं और जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसको लिखें, और अभिभावकों की मदद से या फिर अपने बड़ों की मदद से उस शब्द का उच्चारण और उसका अर्थ भी लें। जब कहीं से भी उनकी समस्या का समाधान ना हो तो वो शिक्षकों से भी आकर के उन शब्दों का अर्थ व उच्चारण जान सकते हैं। साथ साथ में जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं उनको भी सेम यही बोला कि जो भी आपको न्यूज़पेपर है या फिर जो आपको पाठ्यक्रम में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, किसी भी विषय से संबंधित कोई भी विषय में जो भी शब्द उनको नहीं समझ में आ रहे हैं वो शब्दकोश में लिखे। इससे छात्रों के यहाँ पर जो शब्दकोश होता है उसमें जो शब्द होते हैं उनका भंडार बढ़ता है। साथ ही साथ में जब उन्हें शब्दों की जानकारी होती है तो उनका कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो शब्दों की वजह से ही होती हैं, वो समस्याएं भी उनकी समाप्त होती हैं। इसके लिए वो अपने साथी छात्र या फिर शिक्षक या फिर अभिभावक या फिर अपने बड़ों से या फिर किसी अन्य व्यक्ति से सहायता लेकर के वो अपने शब्दकोश को बढ़ाते हैं। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। ऐसे कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर आप ये वीडियो ZIIEI YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो आप कृपया इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।